जामा प्रखंड अंतर्गत प्लासी पंचायत के लकर दीवानी गांव में शुक्रवार को गांधी जयंती के अवसर पर भाजपा सांसद सुनील सोरेन ने ग्रामीण किसानों के साथ कृषि चौपाल लगाई। कार्यक्रम की शुरुआत बापू की तस्वीर पर माल्यार्पण से हुई। किसान चौपाल को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि महात्मा गांधी ने अंग्रेज के साथ अहिंसा की लंबी लड़ाई लड़ी, तभी देश को आज़ादी मिली। केंद्र सरकार के कृषि सुधार विधेयकों पर चर्चा करते हुए कहा कि अब फसल बेचने के लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं है, फसल का इकरार नामक करने वाले कंपनी के लोग आकर उचित मूल्य देकर फसल ले जाएंगे। पहले किसान को सही मूल्य और सही बाजार नहीं मिलता था, अब फसल का सही दाम मिलेगा और बाजार खोजने नहीं जाना पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताते हुए कहा कि हम सभी को स्वदेशी स्वरूप का उपयोग करना है, तभी हमारा देश सक्षम और आत्मनिर्भर बनेगा। उनका भी सीट पर आयोग की ओर से तिथि जारी होने के बाद से जिला प्रशासन उपचुनाव की तैयारी में लग गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से विश के सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर वहां की समस्याओं का समाधान करने में लगे हैं। उपचुनाव को लेकर शुक्रवार को जिला उपायुक्त राजेश्वरी बी की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें कहा गया कि निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में मतदाता को मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करते हेतु अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र दिखाना आवश्यक है। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। अगर किन्हीं मतदाता का नाम मतदान सूची में है लेकिन मतदाता पहचान पत्र नहीं है, या अगर मतदाता पहचान पत्र है लेकिन फोटो बेमेल है, तो वैसे मतदाता भी वोट कर सकते हैं। अखिल भारतीय कार्यस्थल महासभा की ओर से शुक्रवार की देर शाम लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी की जयंती पर कार्यालय में पुष्प अर्पित किए गए। अध्यक्ष दयानंद श्रीवास्तव ने कहा कि गांधी जी विश्व भर के उसके अहिंसात्मक आंदोलन के लिए जाने जाते हैं और यह दिवस उसके प्रति वैश्विक स्तर पर सम्मान व्यक्त करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, वे अपने सादगी के लिए जाने जाते थे और कुशल नेतृत्व क्षमता के धनी थे। साफ सुथरी छवि के कारण विपक्षी भी हमेशा सम्मान करते थे। अभाव में जीने के बावजूद भी उनके विचार बेहतर ऊंचे थे। सभी सदस्यों के उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वहीं शहर में लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित करने हेतु जिला प्रशासन से मिलकर आग्रह किया जाएगा। अब खबर है जामा से। कृषि बिल का विरोध कर सही कांग्रेस ने शुक्रवार को गांधी जयंती पर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। प्रखंड अध्यक्ष प्रेम कुमार शाह ने बताया कि सरकार ने 3 काले कानून लाकर किसान को सोचने पर विवश कर दिया गया है। बिल की वजह से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। किसान किसी तरह से कम कीमत में धान बेचने को विवश होंगे, उन्हें फसल का सही पैसा नहीं मिलेगा। इस बिल से बाजार मंडी भी समाप्त हो जाएगी, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं तीसरा कानून भंडारण की सीमा समाप्त कर दी गई है, इससे बड़े पूंजीपति लोग अनाज की जमाखोरी कर सकेंगे। कांग्रेस ने बिल के विरोध में आंदोलन की शुरुआत की है। हस्ताक्षर अभियान से लोगों को सरकार की कथनी और करनी का अंतर बताया गया है। मौके पर जय मुर्मू, राजा दास, गुड्डू पंडित, सुधीर पंडित, बमेश्वर पंडित आदि शामिल थे। बैंक अकाउंट से रुपए उड़ाने वाले जामतारा गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। दूसरे के बैंक अकाउंट से ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए धोखेधड़ी से रुपए उड़ाने वाले गिरोह के 3 सदस्य के बंगाल के हुगली जिले के चंद्रनगर कमिश्नरेट की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार युवकों का संबंध झारखंड के जामतारा गिरोह के साथ है। पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। आकांक्षा 2020 डीएन हाई स्कूल जामतारा के धीरज बनवाल ने बने स्टेट टॉपर। आकांक्षा 2020 के परीक्षा में जामतारा के धीरज बनवाल स्टेट टॉपर बना है। वहीं सोहन पंडित ने 17वां स्थान प्राप्त किया है। स्टेट टॉपर धीरज बनवाल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं। धीरज बनवाल के पिताजी स्थानीय इंदिरा चौक में फोन रिचार्ज का कार्य करते हैं। धीरज के पिता श्रवण बनवाल ने कहा कि डीएन हाई स्कूल के शिक्षक शुरू से कहते थे कि धीरज कुछ अच्छा करेगा। परिवार के सदस्य काफी खुश दिखे। दुमका को हरा बोकारो ने खिताब पर जमाया कब्जा। कोरोना महामारी में आयोजित देश के पहले खेल आयोजन झारखंड की 20 क्रिकेट लीग का खिताब बोकारो ब्लास्टर्स ने जीत लिया। शुक्रवार को रांची के JSCS स्टेडियम में खेले गए मैच में बोकारो के दुमका डेयर डेविल्स को 6 विकेट से पराजित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दुमका डेयर डेविल्स की टीम ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 136 रन का स्कोर खड़ा किया। मोहित कुमार ने सर्वाधिक 40 रन की पारी खेली। अर्णव सिन्हा ने 21, भानु आनंद ने 15,
आलोक शर्मा ने 23, आयुष कुमार ने 14 रनों की पारी खेली। बोकारो की ओर से आशीष कुमार जूनियर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवरों में 23 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि प्रतीक रंजन को 1 सफलता मिली। दुमका और बेरमो उपचुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रत्याशियों के नाम तय किए जा रहे हैं। शुक्रवार को भाजपा कार्यक्रम में प्रदेश चुनाव समिति ने प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया। बैठक में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ऑनलाइन जुड़े भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दुमका सीट के लिए 6 दावेदार और बेरमो के सीट के लिए 16 दावेदार की सूची समिति के पास आई है। वहीं दुमका से लुइस मरांडी के नाम आगे चल रहा है। उधर बेरमो सीट पर पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद बाटुल, पूर्व सांसद रविंद्र पांडे के नाम पर गंभीरता से चर्चा हुआ। दुमका से विमल मरांडी और अंजलि मुर्मू का भी नाम आया है, तो वेरमो से एक नए नाम मृंगा शेखर पर भी चर्चा हुआ है। कर्माटांड प्रखंड के विराजपुर मोहनपुर गांव में शुक्रवार को गांधी जयंती पर तेजस्वी क्लब मोहनपुर की किशोरियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। क्लब की किशोरियों ने नृत्य तथा भाषण प्रतियोगिता आयोजित की। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने भारत माता और बापू का धारण कर महात्मा गांधी की जीवनी पर प्रकाश डाला। किशोरियों में पुतुल कुमारी, खुशबू कुमारी, रीना कुमारी, डोली कुमारी, रेखा कुमारी, कविता कुमारी, काजल कुमारी, सुनीता कुमारी, रीना कुमारी, राखी कुमारी, बबीता कुमारी आदि शामिल थी। कार्यक्रम के बाद विजयी प्रतियोगिताओं को मुख्य अतिथि से पुरस्कार भी दिया गया। खबर है जामतारा से। केंद्र सरकार की नीतियों यूपी में नाबालिग पर अत्याचार तथा पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं राहुल गांधी के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ शुक्रवार को पुराना कोर्ट के समीप गांधी स्मारक स्थल पर समर्थकों के साथ विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी अंसर पर बैठे। इस दौरान विधायक की तबीयत बिगड़ गई। बाद में मौके पर पहुंचकर चिकित्सा ने उसके स्वास्थ्य की जाँच की। खबर है जामतारा से। स्थानीय सावित्री देवी डीएवी पब्लिक स्कूल लाला लाजपत राय उद्देश्य सभागार में शुक्रवार को एक समारोह का आयोजन कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 191वीं एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 126वीं जयंती मनाई गई। आचार्य डॉक्टर जीएन खान एवं शिक्षकों ने गांधी जी एवं शास्त्री जी तस्वीरों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। गांधी जयंती के अवसर पर नाला नीचे पारा के समीप खेल मैदान में शुक्रवार को एनसीसी क्लब के तत्वाधान में 3 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस सेवादल के जिला उपाध्याय पंचम कुमार झा और जिला महासचिव समर मांझी के संयुक्त रूप से किया। इस दौरान इस कोटा की छात्र दिया गोस्वामी की मौत को लेकर कमेटी के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन धारण कर शोक व्यक्त किया। खबर पूरे संथाल परगना से है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए बिहार के बांका गए गोड्डा के एसडीपीओ पर चलाई गोली, दोनों ओर से 12 राउंड गोली चली। गोड्डा में हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए बिहार के बांका गए गोड्डा के एसडीपीओ अरविंद कुमार सिंह पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी। हमले में एसडीपीओ बाल बाल बच गए। 3 दिन पहले 30 सितंबर को सैलून में बाल कटा रहे विनय पासवान और निरंजन ठाकुर के अपराधियों ने दिदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस हत्याकांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। एसडीपीओ सिंह के नेतृत्व में गोड्डा के पुलिस बांका जिले के शंभुगंज थाना क्षेत्र के गुलनी कुसहा टोले में छापेमारी करने गई थी। इसी दौरान अपराधियों ने हमला कर दिया। मुठभेड़ में 12 राउंड गोलियां चलने की खबर है। घटना के बाद पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है, एक बाइक भी जब्त की है। हालांकि मुख्य आरोपी समेत अन्य अपराधी भागने में सफल रहे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस आरोपी के घर पहुंची और आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। इसी दौरान घर के अंदर से ही पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। दो मुख्य अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शव को लेकर ग्रामीणों ने 3 घंटे जाम किया सड़क मार्ग। नगर थाना के रौतारा के कजिया नदी पुल के समीप सैलून में घुसकर हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई थी। इससे नाराज मृतक निरंजन ठाकुर के परिजन और ग्रामीणों ने शुक्रवार को शव के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 133 को 3 घंटे तक जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे एसडीओ ऋतुराज के आश्वासन पर लोगों ने जाम हटाया। इसके बाद सड़क पर आवागमन शुरू हो गई। इसके पूर्व गुस्साए लोगों ने अपराधियों की
गिरफ्तारी, मुआवजा, आश्रितों को नौकरी दिए जाने की मांग पर डटे थे। उनका कहना था कि 3 दिन पहले हुई इस घटना में बेकसूर की जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि गोली से जख्मी निरंजन दूसरे युवक की बाइक पर बैठकर अस्पताल पहुंचा था, जहां उसको उचित इलाज नहीं मिलने से उनकी मौत हो गई। स्वास्थ्य व पोषण सूचकांक में सुधार से जगी आस। आकांक्षी जिले शामिल गोड्डा ने स्वास्थ्य और पोषण इंडिकेटर में भी औसत सफलता हासिल की है। वर्ष 2018 के स्पेशल लाइन डेल्टा रैंकिंग 2006 से सफर शुरू करने वाला यह जिला स्वास्थ्य व पोषण के मामले में अभी 59वां स्थान पर आया है। विगत 2 वर्षों से इस योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार पर करीब 300 करोड़ रुपये विभिन्न मदों से खर्च किए गए हैं। इससे सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों की कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है। स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार मुहिम चलाई जा रही है। जयंती पर याद किए गए महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री। जिला मुख्यालय सहित सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में गांधी व शास्त्री जयंती पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जगह जगह गांधी जी की प्रतिमा व चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। वहीं कई स्थानों में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई गई। बिहार की तर्ज पर झारखंड के होमगार्ड जवान को मिले सुविधा। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन जिला समिति गोड्डा द्वारा शुक्रवार को बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नित्यानंद यादव ने किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी होमगार्ड की सभी सुविधाएं मिले। एसोसिएशन ने 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त गोड्डा को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष अनुज यादव, कैलाश यादव, प्रद्युमन भगत, महिकांत पासवान, जयपाल यादव, धनलाल साहब, नीरज कुमार, निरंजन यादव, गौतम यादव, श्याम सुंदर मांझी, गोपाल मांझी, सुभाष चंद्र यादव, सुशील कुमार झा आदि दर्जनों गृह रक्षक उपस्थित हुए थे। सीएम हेमंत सोरेन के शिकायत वाद पर आज होगी सुनवाई। निशिकांत दुबे फेसबुक व ट्विटर को जारी किया गया नोटिस। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शिकायतवाद पर आरोपितों को जवाब दाखिल करने के लिए अदालत ने आज की तिथि निर्धारित की है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे फेसबुक और ट्विटर को अपना जवाब देना है। बीते 26 सितंबर को सब जज वन वैशाली श्रीवास्तव की अदालत द्वारा तीसरी नोटिस जारी किया गया था। इससे पहले 22 सितंबर और 26 सितंबर को अदालत में अपना पक्ष रखने का समय दिया था, लेकिन तीनों में किसी ने भी अदालत में पक्ष रखना आवश्यक नहीं समझा। अब देखना है कि तीसरी बार आरोपी द्वारा नोटिस का जवाब दिया जाता है या नहीं। मालूम हो कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसको लेकर सीएम की ओर से 11 सितंबर को रांची व्यवहार न्यायालय में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था। खबर अब देवघर से है। गिरिडीह व देवघर में साइबर अपराधियों की धरपकड़ तेज, 29 दबोचे गए। साइबर अपराध की दुनिया में जामताड़ा का नाम बदनाम हो चुका है। अब जामताड़ा के पड़ोसी जिले देवघर और गिरिडीह में भी साइबर अपराध के प्रति अपराधियों का आकर्षण बढ़ा है। आलम यह है कि इन दोनों जिलों में भी देश के विभिन्न राज्यों की पुलिस साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चक्कर काटती रही है। इन दोनों जिलों में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 29 साइबर अपराधियों को पकड़ा है। इनसे विभिन्न मामलों में पूछताछ की जा रही है। गिरिडीह में 16 गिरफ्तार। बढ़ा ऑनलाइन शिक्षा का महत्व, तकनीकी रूप से मजबूती जरूरी। गूगल मीट के माध्यम से शुक्रवार को क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी देवघर अशोक प्रसाद के अध्यक्षता में देवघर प्रखंड के सभी प्रधानाध्यापकों, संकुल व प्रखंड संसाधन सभियों के लिए ई गुरु गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में पीरामल फाउंडेशन के राज्य प्रतिनिधि सुजीत कुमार व प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी रमेश झा ने प्रखंड के करीब 250 से अधिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा संकुल साधन सेवियों को विभिन्न मुद्दों पर संबोधित किया। बैठक की शुरुआत राष्ट्रपति महात्मा गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की गई। खबर है पाकुड़ से। बेहतर हुआ काम, कायाकल्प का मिला इनाम। आकांक्षी जिला घोषणा के बाद वर्ष 2019 में पाकुड़ जिले ने राज्य में पहला व देश में तीसरा स्थान किया था। स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर लाकर एक बार फिर राज्य और देश स्तर पर अपना परचम लहराने की तैयारी में जुट गई है। संसाधन की कमी के बावजूद स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य हुआ है। वर्तमान में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में सुधार के लिए अब तक 5,94,65,000 रुपये खर्च किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग
को आकांक्षी कार्यक्रम के तहत मिली राशि के स्वास्थ्य केंद्र बेलडांग सलगपाड़ा और सहरग्राम में टेली मेडिसिन की शुरुआत की गई। कोरोना काल में यह व्यवस्था लोगों के लिए वरदान साबित हुई। कामगारों की समस्याओं का जल्द होगा समाधान। गांधी जयंती पर शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने छोटी आलिंगंज में बांस के सूप व डलिया तथा अंबेडकर नगर में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कामगारों को मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी। कार्यकर्ताओं ने प्रेरित किया कि वे बेझिझक उत्पादन करें, कहा कि इन उत्पादों को मार्केटिंग के लिए भाजपा उनका सहयोग करेगी। इसके पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाए। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष बलराम दुबे, प्रदेश प्रवक्ता मिस्फिका हसन, मीरा प्रवीण सिंह, अजीत रविदास, पूर्व विधायक वेणी प्रसाद गुप्ता, नगर प्रभारी मीरा प्रवीण सिंह दिलीप आदि उपस्थित थे। पाकुड़ का शहद बेचेगी केंद्र सरकार। पाकुड़ के संताल आदिवासियों की ओर से उत्पादित शहद अब भारत सरकार की एजेंसी बेचेगी। केंद्र जनजातीय कार्यालय अर्जुन मुंडा ने अपने आवास पर आयोजित समारोह में पाकुड़ हनी नाम से ब्रांड को लॉन्च किया। जनजातीय कार्य मंत्रालय की संस्था ट्रामफ्रेंड अपने शोरूम और ऑनलाइन प्रणाली के जरिए इसकी मार्केटिंग करेगा। पाकुड़ हनी को लॉन्च करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि पाकुड़ में शहद का संग्रहण स्थानीय युवाओं द्वारा अस्थायी रूप से पर्यावरण के अनुकूल तरीके से किया जाता है, फिर शहद को संसाधित और पैक किया जाता है और उत्पाद को अलग आकार के पैकेज में ड्राफ्ट द्वारा विपणन किया जाता है। यह गतिविधि स्थानीय जनजाति लोगों को एक सुनिश्चित बाजार प्रदान करेगी और उन्हें आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान करेगी। ट्राइबक्स इंडिया मार्केट प्लेस सभी आदिवासियों के लिए उपलब्ध। अर्जुन मुंडा ने कहा कि ट्राइबक्स इंडिया मार्केट प्लेस सभी आदिवासी उत्पादों के लिए उपलब्ध है, चाहे आदिवासी के लिए 60% की न्यूनतम हिस्सेदारी वाली आदिवासी कारीगर हो या स्वयं सहायता समूह चलाने वाले संगठन। खबर है साहिबगंज से, जमीन पर नहीं उतर सका आकांक्षी सेहत प्लान। साहिबगंज को आकांक्षी जिला घोषित करने के बाद पर सेहत का प्लान जमीन पर नहीं उतर पाया। स्वास्थ्य व पोषण के लिए 1.31 करोड़ का प्लान बना है। मेडिकल किट क्रय के लिए 1.2 करोड़ रुपए की योजना बनी। इस राशि से 86,483 मेडिकल किट का क्रय करना है। एएनएम के लिए 100 स्कूटी 54.7 लाख की लागत से खरीदारी की गई। मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए संस्थागत प्रसव के लिए 84L1 टेंडर बनाया गया। स्वास्थ्य केंद्रों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों की सफाई के वॉशिंग यूनिट का निर्माण किया गया। प्लान के अनुसार स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग में कार्य चल रहा है। कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधा के लिए अस्पताल के उपकरण बढ़ाने का प्रयास किया गया। अब जिले में 6 के स्थान पर 15 वेंटिलेटर है। इसे चल रहे वेंटिलेटर के अलावा 2 माह में आए वेंटिलेटर का संचालन प्रारंभ हो गया, परंतु इसका संचालन स्वास्थ्य विभाग के टेक्नीशियन नहीं डॉक्टर कर रहे हैं। मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार चलेगी ट्रेनें। मालदा मंडल रेल प्रमंडल यतेंद्र कुमार ने शुक्रवार को राजमहल स्टेशन का निरीक्षण किया। वे मानिकचक से जलमार्ग से यहां पहुंचे। स्टेशन अध्यक्ष उत्तम कुमार ने डीआरएम को स्टेशन परिसर में बन रहे पैनल कक्ष को दिखाया। बाद में डीआरएम ने महिला प्रतीक्षालय, द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय, प्रथम श्रेणी प्रतीक्षालय, कंट्रोल रूम व स्टेशन अध्यक्ष कार्यालय कक्ष का निरीक्षण किया। डीआरएम ने बताया कि विभाग मंत्रालय के अधीन है। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए रेल मंत्रालय समय समय पर गाइडलाइन जारी कर रहा है। आलोक में ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक मंत्रालय द्वारा राजमहल 3 पहाड़ के बीच चलने वाली TR पैसेंजर ट्रेन को चलाने की अनुमति नहीं दी जाए, तब तक क्षेत्र के लोगों को सुविधा बहाल कर संभव नहीं है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।